नमस्कार दोस्तों, मैं थोड़ा दोस्त मनु मोड़। दोस्तों, ये कंप्यूटर अवेयरनेस रिलेटेड इंपोर्टेंट एमसीक्यू का सेकंड पार्ट है। इस तो पहले एक पार्ट मैं वीडियो का बना चुके हैं, जो वीडियो के एंड में तुम्हें उसका लिंक मिल जाएगा, उत्थे जाके तुसीं चेक कर सकते हो। ओके दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हूँ आप सीधा अपने नैक्सट पार्ट से आने। तो क्वेश्चन नंबर 41 की गल करिए, कंप्यूटर का पूरा नाम की है? तो कंप्यूटर का पूरा नाम दोस्तों, कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन परपजली यूज फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशन रिसर्च। तो क्वेश्चन नंबर 42 की गल करिए दोस्तों, कंप्यूटर विच डाटा की सब तो छोटी इकाई की है? तो उसमें दोस्तों बिट कहते हैं, जो डाटा की सब तो छोटी इकाई होंगी है। तो क्वेश्चन नंबर 43 की गल करिए दोस्तों, कंप्यूटर विच एक निवल दे डैश बराबर है? कंप्यूटर विच एक निवल डैश के बराबर है, 4 बिट्स के बराबर एक निवल होंगी है दोस्तों कंप्यूटर विच। तो क्वेश्चन नंबर 44 की गल करिए दोस्तों, 1 बाइट डैश के बराबर होंगी है? तो 1 बाइट 8 बिट्स के बराबर होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 45 की गल करिए दोस्तों, सीपीयू के किन्ने हिस्से होंगे ने? सीपीयू के टोटल 2 हिस्से होंगे ने। किसी भी कंप्यूटर दे सिस्टम का दिमाग की होंगे है दोस्तों? सीपीयू नूं ही कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। 47 की गल करिए दोस्तों, इन्हां विच केड़ी सॉफ्टवेयर दी एक उदाहरण नहीं है? नहीं है क्या दोस्तों? MS ऑफिस है जो सॉफ्टवेयर है, यह कंप्यूटर के अंदर होंगे है। तो क्रोम ब्राउजर होंगे कंप्यूटर के अंदर ही, और टैली टैली यह भी एक सॉफ्टवेयर होंगे दोस्तों। बट माउस जिहड़ा हार्डवेयर होंगे, यह राइट आंसर अपना माउस हो जाएगा दोस्तों। इतने बुक्स फॉर कंप्यूटर लैंगुएज बारे तां लिखा हुआ, मैं ताकि तुहानू याद दिला सकां। जे तुसीं इह बुक विचों इह सारे क्वेश्चन पढ़ना चाहते हो, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक बुक का मैं लिंक दिता हुआ, वह बुक चुपचाप तुसी परचेज कर लो, क्योंकि काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन उस बुक में कवर किए हुए हैं। बाकी तुहानू एक राय देवांगा, बुक्स विच भी पढ़ो और यूट्यूब पर ऑनलाइन क्लासेस भी लो कंप्यूटर नॉलेज रिलेटेड। जे बुक तुसी खरीदना चाहते हो तो लेटेस्ट एडिशन की बुक जरूर बाय करो, ओल्ड एडिशन की बुक ना बाय करो। तो लेटेस्ट एडिशन की बुक तुहानू अमेजोन तो ऑनलाइन मिल जाएगी, जिसका लिंक तुहानू वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उत्थे जाके तुसी बुक नू चैक कर लो, जे तुहानू मार्केट में मिलती है मार्केट में लै लो, नहीं तो ऑनलाइन ऑर्डर कर लियो। ओके दोस्तों, नैक्सट गल करिए आप 48 नंबर क्वेश्चन की, कंप्यूटर की किन्नी जनरेशन है टोटल? टोटल 5 जनरेशन हाले तक कंप्यूटर की आई है। 49 नंबर क्वेश्चन की गल करिए दोस्तों, कंप्यूटर की पहली जनरेशन का अंतराल समा की सी? 1969 तक जो पहली जनरेशन के कंप्यूटर आप यूज़ करते, उस तो बाद सैकेंड जनरेशन आई, फिर थर्ड जनरेशन आई, फिर फोर्थ जनरेशन, हूँ 5 जनरेशन चली जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 50 की गल करिए, फस्ट जनरेशन आधारित कंप्यूटर किस टैक्नोलॉजी की सी? तो वैक्यूम ट्यूब होंगे जी, जो फस्ट जनरेशन के कंप्यूटर आए थे उन्होंने वैक्यूम ट्यूब टैक्नोलॉजी इनकलूड की गई सी। तो क्वेश्चन नंबर 51 की गल करिए दोस्तों, मेमोरी विच KB का पूरा नाम की होंगे? तो दोस्तों किलो बाइट होंगे मेमोरी विच, KB का फुल नेम, तो 1 KB डैश के बराबर होंगी है दोस्तों, 1024 बाइट्स के बराबर होंगी है। क्वेश्चन नंबर 53 की गल करिए, वोलाटाइल मैमरी की एक उदाहरण दोस्तों, रैम मैमरी वोलाटाइल मैमरी की एक उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 54 की गल करिए दोस्तों, दोस्तों अगे चलने तो पहले एक छोटी जी इनफॉर्मेशन तुम्हें देना चाहना, जे तुसी साइंस पोलिटी और कल्चर ऑफ इंडिया एंड पंजाब की इंपोर्टेंट क्वेश्चन की PDF फाइल लेना चाहते हो, तो यह मेरा इंस्टाग्राम ID नंबर है, इससे मैं फॉलो करके मेरे नाल गल करके तुसी वह PDF फाइल ले सकते हो। इस PDF फाइल में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू नाल काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर किए गए हैं, तो इस बार भी पंजाब विच होने वाले गवर्नमेंट एग्जाम लिए काफ़ी बेनीफिशियल होने वाली है यह PDF फाइल। ओके दोस्तों, हुण गल करते हैं आप 54 नंबर क्वेश्चन की, इनपुट डिवाइस की एक उदाहरण है कीबोर्ड माउस स्कैनर? यह तिने दोस्तों इनपुट डिवाइस की एक उदाहरण ने, यह तिने। तो क्वेश्चन नंबर 55 की गल करिए, CPU डैश का सुमेल है दोस्तों, ALU प्लस CU का मिश्रण होंगे, सुमेल होंगे, मतलब इस बीच CPU विच यह दो चीज़ा इनकलूड होंगी ने। तो क्वेश्चन नंबर 56 की गल करिए, इन कि मैमरी की वैलिड मेजूरमेंट है KB MB? मतलब मैमरी को आप किस तरह नापते हैं या मापते हैं? तो KB MB GB ऑल ऑफ दिस दोस्तों, आप मैमरीज होंगी जो अपने फोन की लगा लो या लैपटॉप की लगा लो या कंप्यूटर की लगा लो, उन्होंने आप KB भी कह दें, MB भी कह दें, तो GB भी कह सकते, तो करके ऑल ऑफ दिस इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह सारा आप मैमरी की वैधता मापने लिए करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 57 की गल करिए दोस्तों, कीबोर्ड विच किन्ने एरो कुंजी यानी एरो कीज होंगे ने दोस्तों? उपर नीचे लैफ्ट राइट करने वाले टोटल चार कीज होंगे ने जिन्हों आपां एरो की कह दें। क्वेश्चन नंबर 58 की गल करिए दोस्तों, कीबोर्ड के किन्ने बटन होंगे ने दोस्तों? नॉर्मल तो किसी किसी विच 104 भी होंगे ने, तो किसी किसी विच 101 भी होंगे है। तो नॉर्मल जे आप सही आंसर ना जावे जे आप 104 तो 101 ऑप्शन देखने को मिल जाता तो 104 राइट आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 59 की गल कर लिए हूँ दस, कंप्यूटर विच कोडिड निर्देशों की सूची नूं की कहा जाता है? कंप्यूटर प्रोग्राम कोडिड निर्देशों की सूची नूं कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 की गल कर लिए दोस्तों, सीपीयू का वह भाग जो गिणित दे प्रदर्शन लिए जिम्मेदार है, तो एएलयू गिणित दे प्रदर्शन लिए जिम्मेदार माना जाता। मतलब कि जे सीपीयू विच एएलयू फिक्स किया होया तो ही वह गणित जोड़ घटाओ गुणा करेगा। क्वेश्चन नंबर 60 की गल करिए दोस्तों, हार्डवेयर की एक उदाहरण तो कीबोर्ड दोस्तों, कीबोर्ड माउस प्रिंटर ये सारी हार्डवेयर होंगे ने। जे यह जो क्वेश्चन आ जाता तो इन्होंने आप कुछ भी लिख सकते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 62 की गल करिए दोस्तों, सॉफ्टवेयर दिनिया किस्म हैं? तो सॉफ्टवेयर दो किस्म का होंगे दोस्तों। एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पिछले प्रीवियस एग्जाम में यह देखा गया एग्जाम फीफो का पूरा रूप की है, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो का पूरा फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 64 की गल कर लिए, रैम दिया किन्नियां किस्मां होंदियां? तो दो किस्मां होंदियां, एस रैम ते डी रैम। रैम मेमोरी की दो किस्मां होंदियां ने। ते क्वेश्चन नंबर 65 की गल करिए दोस्तों, हार्डवेयर डिवाइस ड्राइवर तो बिना कम कर सकता है? नहीं दोस्तों, गलत है। कोई भी हार्डवेयर डिवाइस जो पीसी विच ड्राइवर होंदा है उस तो बिना काम नहीं कर सकता, तो इसका आंसर फालस रहेगा। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66 की गल करिए, फोल्डर बनाने लिए शॉर्टकट की है? जब आप अपने पीसी विच न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं तो उसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन होंगी है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67 की गल कर लिए हूँ, पीसीबी का पूरा नाम की है? तो प्रिंटर सर्किट बोर्ड पीसीबी का पूरा नाम है। एंड क्वेश्चन नंबर 68 की गल करिए दोस्तों, कंप्यूटर बंद करने लिए शॉर्टकट की होंगे? तो अल्ट प्लस 4 नपांगे तो कंप्यूटर अपना शट डाउन हो जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 69 की गल करिए, कंप्यूटर नूं रिफ्रैश शॉर्टकट की है? तो सब नूं पता है F5 होंगे, तो F5 नपदे जो आप कीबोर्ड में तो कंप्यूटर की जो साइट खुली होंगी वह रिफ्रैश हो जाती है। 70 नंबर क्वेश्चन की गल करिए, हेठ लिखा विचों केड़ी एक ऑपरेटिंग सिस्टम की उदाहरण है? तो विंडोज़, लिनक्स, MS डॉक्स। तो यह सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम की एक उदाहरण है, विंडोज़ भी है, लिनक्स भी है एंड MS डॉस भी है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71 की गल करिए, कंट्रोल प्लस जैड की वरतों की है? तो अंडो वास्ते जो कंट्रोल प्लस जैड अंडू करते हैं, जो आप कोई भी काम कर लिया तो अपने तो गलती नाल वह डिलीट हो गया तो उसमें वापस लियाने लिए आप अंडू करते हैं, तो अंडू का शॉर्टकट की है? कंट्रोल प्लस जैड। तो क्वेश्चन नंबर 72 की गल करिए दोस्तों, शिफ्ट प्लस डिलीट की वरतों क्यों की जाती है? तो फोर फर्म परमानेंटली डिलीट, जो आप परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो अंडू भी करा फिर भी वह नहीं आएगी वापस, इसलिए शिफ्ट प्लस डिलीट की वरतों की जाती है। तो कंट्रोल प्लस सी की वरतों क्यों की जाती दोस्तों? सबनों पता है कॉपी करने वास्ते कंट्रोल प्लस सी मैंने कॉपी की वरतों की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 74 की गल करिए, सिलेक्ट आल लई शॉर्टकट की इज? तो कंट्रोल प्लस ए आप नपांगे तो सारा कुछ जो सिलेक्ट हो जाता है, जो कि आप टाइप किया होंगे अपने कंप्यूटर में। क्वेश्चन नंबर 75 की गल करिए दोस्तों, कंट्रोल प्लस एक्स की वरतों आप कट करने लिए एग्जाम्पल के तौर पर, जो मैं तुम्हारे सामने यह प्रेजेंटेशन दे रहा, जो मैं कंट्रोल प्लस एक्स नपा दाँगा तो इस तो बाहर मैं अपने मेन पेज पर चला जाऊँगा, मेन पीसी पर चला जाऊँगा। अगर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 76 की गल करिए, बाइनरी नंबर के एक उदाहरण 0 एंड 1 जो बाइनरी नंबर होंगे ने कंप्यूटर लैंग्वेज में। क्वेश्चन नंबर 77 की गल करिए, बिट्स का पूरा नाम की होंगे? तो बाइनरी डिजिट डिजिट्स कह देंगे ने। जे बिट हों दोस्तों और कला तो बाइनरी डिजिट कहते आप, हूँ बिट्स इतने तो आप बाइनरी डिजिट्स कहेंगे। ओके दोस्तों,
क्वेश्चन नंबर 78 की गल करिए, मालवेयर का पूरा नाम क्या होंगे दोस्तों? असल च यह मलेशियस सॉफ्टवेयर होंगे मालवेयर का पूरा नाम। क्वेश्चन नंबर 79 की गल करिए, डैश एक सॉफ्टवेयर बग है जो हमलावर सिस्टम अणअधिकारित तौर पर लाभ लै सकता है, तो सिक्योरिटी बग होंगे दोस्तों। यह सॉफ्टवेयर बग होंगे जो हमलावर को रोकता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80 की गल करिए, हेठ लिखे विच किहड़ा प्रोटोकॉल इंटरनेट लिए वरत्या जाता है? तो इन विचों ये तिने जे अपने कंप्यूटर या इंटरनेट विच नहीं होंगे तो आप इंटरनेट यूज़ नहीं कर सकेंगे। तो इसका आंसर ऑल ऑफ दीज, क्योंकि एच टी वी अपन इंटरनेट चलाने ही चाहिए है, तो इस अलावा ये भी शायद कुछ चलाने चाहिए इन्हें, मैं पता नहीं है। डी एन एस भी अपने जो सीटिंग पीसी की अंदर की सैटिंग होंगी उस जरूरी होंगी है, तो यह तिने आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 81 की गल करिए दोस्तों, कि हेठ लिखे विचों केड़ी एक सुरक्षित लीनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम आता है? तो टेल्स दोस्तों लीनक्स नाल यह बस तुसी रिलेट करना है, एक सुरक्षित लीनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, लीनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो टेल्स कंपनी का एक यह ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो सब तो सिक्योर्ड लीनक्स मनिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 82 की गल करिए, भारत का एक सुपर कंप्यूटर परम कितने है? तो महाराष्ट्र के पूना विच है दोस्तों। तो 1991 जो अपना भारत का सब तो सुपर कंप्यूटर से 1991 महाराष्ट्र के पूना पुणे शहर में बनाया गया से। क्वेश्चन नंबर 83 की गल करिए, परम भारत का सुपर कंप्यूटर किहड़ी कंपनी ने बनाया से? तो सी पैक नामक कंपनी ने जो परम भारत का सुपर कंप्यूटर वह बनाया से। क्वेश्चन नंबर 84 की गल करिए, परम भारत का सुपर कंप्यूटर का निर्माता का नाम? तो विजय पांडू रंगा भाटकर इन्हों के ही नाम है जिन्होंने परम कंप्यूटर की खोज की सी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 85 की गल करिए, दुनिया का सब तो पहला सुपर कंप्यूटर केड़ा है? ग्रेवन दोस्तों दुनिया का सब तो पहला सुपर कंप्यूटर है, तो यह सेम्यूर ग्रे द्वारा 1976 बनाया गया से। वर्तमान में सब तो तेज चलन वाला कंप्यूटर का की नाम, मतलब अज के टाइम में जो सब तो तेज चलता है कंप्यूटर, सब तो फास्ट कंप्यूटर, तो उसका नाम फुगाकू है दोस्तों। जापान की खोज है, मतलब जापान में बनाया गया से, याद रखना नाम फुगाकू, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 86 की 87 की गल कर लिए, भारत का सब तो तेज कंप्यूटर का नाम? तो वह वर्ल्ड का सब तो तेज कंप्यूटर से जोड़ा आप उपर पढ़िया फुगाकू, यह वर्तमान में सब तो तेज वर्ल्ड का पूरी दुनिया का सब तो तेज कंप्यूटर है फुगाकू, तो अपने भारत का सब तो तेज कंप्यूटर है जो उसका नाम प्रतोष, उसका नाम जो कंप्यूटर का प्रतोष, सब तो तेज कंप्यूटर प्रतोष है। क्वेश्चन नंबर 88 की गल करें, जो कंप्यूटर का समूह एक छोटे खेत्र में टैलीफोन लाइन की सहायता तो बिना जुड़ के काम करन, तो इसमें की कि मतलब कि नैटवर्क कहा जाता है? तो इसमें दोस्तों लैन नैटवर्क कहा जाता, लोकल एरिया नैटवर्क। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 89 की गल करिए, पंजवीं पीढ़ी यानी पंजवीं फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर विच नहीं है? तो दोस्तों वैक्यूम ट्यूब नहीं है, क्योंकि यह जो पहले जनरेशन के कंप्यूटर आए से उस टाइम उन्होंने इनकलूड से, तो अज के टाइम जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर ने उन्होंने वैक्यूम ट्यूब बिल्कुल यूज़ नहीं किया जाता। तो क्वेश्चन नंबर 90 की गल करिए, पहली कंपनी जिसने माइक्रो प्रोसैसर की खोज की सी? हाँ सबनों पता है, इंटल 4004। ओके दोस्तों एसी कंप्यूटर के कुछ इंपोर्टेंट प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन। डेली इस तरह के इनफॉर्मेटिव वीडियो लैन साडा चैनल सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, तो एक प्यारा जहा कमेंट भी जरूर कर दो।